भाजपा सरकार या मोदी साहब है, उन्होंने जो डायरेक्ट नज़र की हमारे ऊपर, पानी की तो कोई समस्या नहीं है, बिजली की भी कोई समस्या नहीं है, ये सरकार से हम लोग बहुत खुश है। लगभग गांव में 70% लोगों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके तहत भी लगभग 80% लोगों का बीमा भी हो चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो भी लगभग 90% लोगों का हो गया है। भाजपा सरकार या मोदी साहब है, उन्होंने जो डायरेक्ट नज़र की हमारे ऊपर, तो आज हमारे लड़के करीबन जो स्पोर्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, आज उनकी वजह से हमारे लड़के कई भावनगर है, नड़िया दे, सापूतार है, अलग अलग करके बहुत से यहाँ से कोड़ीनार है, और खेल में अभी शायद ओलंपिक में हमारा नाम भी आएगा। सरकार के तरफ से मकान की सहाय भी मिलती है और बच्चे को पढ़ाई के लिए भी मिलती है और जो आगे जाने के लिए जो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है तो वो भी सरकार देते हुए। पानी की तो कोई समस्या नहीं है, बिजली की भी कोई समस्या नहीं है, ये सरकार से हम लोग बहुत खुश है। गांधीनगर कैंपस बिल्डिंग शिक्षा का दर है, वो शिक्षा का दर इसलिए बड़ा है कि ये संस्था का यार रहने का और खाने पीने का और पढ़ने का दोनों की सुविधा मिलती है। जो हम आदिवासी महिला है वो घर में से बाहर नहीं निकलती थी कभी। अभी जो मोदी साहब आए वो ये सब प्लान किया, टेंशन बड़ा सब बढ़ा दिया, तो हमका भी परिवर्तन हुआ और हमको भी अच्छा लगता है। वो कैफे चलाते हैं सब महिला साथ जुल मिल कर, हम 5-6 साल से काम कर रही है और हमारे बच्चे की पढ़ाई में, खेत काम में सब वो पैसा मिलता है, ये हम उपयोग में लगाते हैं। Yeah.
के माननीय मुख्यमंत्री श्री ने करशे प्रमुख श्री।